नमस्कार बच्चों, आज अपनी कक्षा 10 के जो चौथा अध्याय है उसकी लास्ट वीडियो देखेंगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, औद्योगिकरण की क्या भूमिका थी उसके अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो इटली के एकीकरण के दो चरणों को हमने पढ़ लिया था। जो नेक्स्ट भाग हैं, गैरिबोल्डी और नेपल्स सिसिली का विलय, वेनिशिया का विलय और रोम का विलय, ये तीन पार्ट रहे हैं। उसके बाद इटली का यूनिफिकेशन पूर्णतः पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि दो भाग लोमार्डी और जो क्षेत्र थे, लोमार्डी को क्या है, सबसे पहले अपने साइड कर लिया पिडमोंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट केवर ने। नेक्स्ट उसके बाद जो था कि जो मेडेना, टस्कनी, इन क्षेत्रों को क्या है, जनमत संग्रह करवा के या जनमत के द्वारा उनकी वोटिंग करवा के क्या है, अपनी साइड मिलवा लिया गया। और यह भी कूटनीति की किसकी थी, काउंट केवर की। काउंट केवर ने अपनी कूटनीति की सहायता से क्या है, इन दो क्षेत्रों को अपनी तरफ मिला लिया। नेक्स्ट जो पार्ट बचे थे, नेपल्स सिसिली और वेनेशिया और रोम, इनमें से अधिकतर क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया था ऑस्ट्रिया के अधीन थे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपने गैरिबोल्डी के बारे में। गैरिबोल्डी जो है वो क्या है, एक प्रकार से देशभक्त व्यक्ति था। उसने शुरुआत में ये क्या है, शिक्षा को छोड़ दिया था। सिर्फ उतनी शिक्षा ग्रहण की जितनी क्या है उसको देशभक्ति की किताबों पढ़ने के लिए काम में आ सके। यानी वो सिर्फ क्या है, देश के प्रति जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना को व्यक्त करने के लिए या लोगों को क्या है, राष्ट्रवाद सिखाने के लिए अपना कार्य करना चाहता था। 1830 के अंतर्गत क्या है, उसने एक विद्रोह किया नौसेना के द्वारा, जब वो भूमध्य सागर में क्या है, नौसेना के गिरोह के साथ रहता था। उस समय वह मेजिनी नामक क्या है, देशभक्त से भी मिला था। और उस समय क्या है, उसने ये नौसेना के साथ मिलकर वहाँ ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक विद्रोह किया था। और उस विद्रोह के द्वारा क्या है, उसको जेल हो गई थी। और उस जेल के होने के कारण उसको फांसी की सज़ा दी जा रही थी, लेकिन वह क्या है, भाग गया था अपनी जान बचाकर। और उसके बाद 1833 में जब उसको सज़ा हुई तो वह वापस 1854 में आया। उससे उतने समय तक वह क्या है, दक्षिणी अमेरिका में रहा। और वहाँ पर उसने छापा मार युद्ध प्रणाली को सीखा। वह हमेशा से यही चाहता था कि कैसे न कैसे करके वह क्या कर सके, इटली को एक कर सके, इटली का जो है वो उद्धार कर सके वो अपने द्वारा। हमेशा उसकी क्या है, नीति यही रहती थी। उसके पिता उसको बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे, लेकिन वह सिर्फ उतनी ही शिक्षा ग्रहण करना चाहता था जितनी कि उसको क्या है, पुस्तकें पढ़ने से और अपनी देशभक्ति की भावनाओं को संतुष्ट करने में सहायता दे सके। उसके बाद जब वह वापस आता है 1854 में, दक्षिणी अमेरिका से जब वो वापस आ जाता है 1854 में, तो क्या होता है, तब वह एक लाल कुर्ती समूह है, लाल कुर्ती देशभक्तों का एक समूह बनाता है। और उस फौज को तैयार करके वह क्या करता है, अपने साथ रखता है। उनमें क्या है, नेतृत्व लिया था मेजिनी, और इसी प्रकार से कई प्रकार के जो देशभक्त या राष्ट्रभक्त लोग थे वो उसके साथ शामिल थे। अब ये लाल कुर्ती जो क्या है, एक देशभक्तों का संगठन था, इन्होंने क्या है, सिसिली नामक क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब ये लोग जानते थे कि नेपल्स और सिसिली दोनों क्या है, विदेशी शासकों द्वारा शासित है। जैसा कि मैंने बताया था कि इटली का सिर्फ पिडमोंट सार्डिनिया वो क्षेत्र था जहाँ सुवोय डायनेस्टी राज किया करती थी, सुवोय राजवंश राज किया करता था। बाकी सभी जो क्षेत्र थे वो क्या थे, विदेशी थे।
वहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार के देशी राजा यानी इटली के राजा का राज्य नहीं था। तो सिसिली पर वह आक्रमण करने के लिए चलते हैं अपने ग्रुप के साथ, जैसे मेजिनी, फ्रांसिल, फ्रांसिल भी क्या था, एक देशभक्त था, वह भी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, वह भी क्या है इटली के एकीकरण में सहायक था। तो इन सभी को लेकर लगभग क्या है 1000 लोगों की सदस्य संख्या के साथ क्या है वो सिसिली नामक क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। तो सिसिली नामक क्षेत्र पर क्या है मेजिनी और फ्रांसिल और साथ ही साथ क्या है ज्यूपस गेरिबोल्डी, ये तीनों मिलकर क्या है अपने सैनिकों के साथ, 1000 सैनिकों के साथ क्या है सिसिली के ऊपर आक्रमण करते हैं। तकरीबन 1860 के अंदर 5 मई 1860 को सिसिली पर आक्रमण किया जाता है तकरीबन 1000 सैनिकों के साथ। तो और वहाँ के जो राजा थे वो उनके सामने घुटने टेक देते हैं, हार जाते हैं, और यहाँ पर क्या है गेरिबोल्डी की सेना की विजय होती है, गेरिबोल्डी की सेना की विजय होती है और यह सेना विजय प्राप्त करती है। गेरिबोल्डी अपने आप को इस विजय के पश्चात अधिनायक घोषित कर देता है, वो इस विजय के बाद अपने आप को क्या घोषित कर देता है अधिनायक घोषित कर देता है, इसका नेतृत्व करने वाला ये बन जाता है वो। लेकिन उसके बाद स्वयं क्या है विक्टर एमैनुअल जो है वो पिडमोंट सार्डिनिया का क्या है राजा था, जहाँ काउंट केवर प्रधानमंत्री था जिसका। तो विक्टर एमैनुअल भी क्या है नेपल्स में अपनी सेना लेकर पहुँचता है और इधर से क्या है गेरिबोल्डी की सेना भी क्या है सिसिली को जीतने के बाद नेपल्स में पहुंचती है। तो दोनों की सेना वहां पर मिलती है, इधर गेरिबोल्डी विक्टर एमैनुअल से मिलता है और उसको क्या है अपना या इटली का राजा मान लेता है, अपना और इटली का राजा स्वीकार कर लेता है, किसको विक्टर एमैनुअल को गेरिबोल्डी अपना या इटली का राजा स्वीकार कर लेता है। और फिर दोनों सेनाएँ जो है वो नेपल्स के शासकों के विरुद्ध बहादुरी के साथ लड़ती है और अपनी गेरिबोल्डी अपनी समस्त सेना और विक्टर एमैनुअल अपनी समस्त सेना के साथ क्या है पूरे जोर से उसको युद्ध को लड़ते हैं और साथ ही साथ क्या प्राप्त करते हैं विजय प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से क्या है नेपल्स और साथ ही साथ सिसिली का जो क्षेत्र था वो दोनों ही कैप्चर हो जाते हैं और ये भाग हो जाते हैं अब इटली के, ये दोनों भी क्या है इटली के भाग हो जाते हैं। तो देखिए इसके इटली में मिलने के बाद लोम्बार्डी, मेडेना, पार्मा, टस्कनी, साथ ही साथ अब नेपल्स, सिसिली और इन राज्यों के साथ मध्य इटली के कुछ और राज्य थे, मध्य इटली के राज्य, ये इतने राज्य जो हैं और पिडमोंट सार्डिनिया तो पहले से था ही इटली में। तो इस प्रकार से ये जो इटली का लगभग पूरा भाग था वो क्या है पूरा इटली के राजा या एक इटली के देश के रूप में व्यक्त हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो क्या था इटली कहने के लिए क्या है अभिव्यक्ति मात्र था, भौगोलिक अभिव्यक्ति था, फिजिकल एक्सप्रेशन था एक प्रकार से। लेकिन अभी क्या है ये इतने सारे राज्य इसमें मिल चुके थे तो ये लगभग क्या है एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में गठित हो रहा था, अभी हुआ नहीं है, अभी दो भाग बाकी हैं, एक तो वेनेशिया जो पहले युद्ध में लोम्बार्डी वाले युद्ध में क्या है प्राप्त नहीं हुआ था और दूसरा रोम, ये दो क्षेत्र अभी भी बाकी थे। रोम के ऊपर अधिकार था पोप का और पोप की रक्षा के लिए सेना थी वो थी नेपोलियन थर्ड था फ्रांस का राजा और ये फ्रांस की जो सेना थी नेपोलियन की वो पोप की रक्षा किया करती थी और साथ ही साथ में रोम में अपनी सैनिक शक्ति को लगा कर रखती थी। अब चाहिए थे ये दो क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों को अपनी तरफ करने के लिए
क्या है, जैसे एक प्रकार से सोंग भी क्या है एक साथ है इटली का साथ दे रहे थे। तो देखो सोंग वंश कैसे ये राज्य दोनों के दोनों के हैं, इटली में मिलते हैं। हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है, उसमें देखा था हमने कि जर्मनी के एकीकरण के समय 3 युद्ध हुए थे जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए। एक तो था डेनमार्क के साथ, दूसरा था ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा था फ्रांस के साथ। अभी देखो हमारे जो दो क्षेत्र बचे हैं इटली के एकीकरण में, वो है एक तो वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया के अधीन में है, और एक है रोम जो है तो अधीन में किसके, पोप के, लेकिन पोप की रक्षा कौन कर रहा है, फ्रांस की सेना कर रहा है। अब देखिए जैसा कि आपको याद होगा कि प्रशा की जो सेना है जर्मनी के एकीकरण के समय वो ऑस्ट्रिया से युद्ध करती है। तो मैंने बताया था ऑस्ट्रिया से युद्ध करने समय बिस्मार्क ने एक कूटनीतिज्ञता का यूज किया था। उसके अंतर्गत क्या था कि वो सबसे पहले फ्रांस को तो क्या है लालच दे देता है राइन प्रदेश का कि भाई तेरे को राइन प्रदेश मिलेगा, ठीक है। इंग्लैंड हस्तक्षेप कर नहीं रहा था और वो इतने में क्या है एक और चीज़ लेके आता है जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ थी और पर्शिया के साथ में आ गई, क्या इटली के राजा के पास जाता है वो, पर्शिया के जो बिस्मार्क है वो जाता है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि वेनेशिया के लालच में इटली भी किसके खिलाफ युद्ध करता है, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करता है जब पर्शिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करता है। तो उस युद्ध में जो ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत क्या है 1866 में ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध के समय 1866 में इटली के राजा भी क्या है वेनेशिया को प्राप्त करने के लिए 1866 में यह है युद्ध करते हैं। और इस युद्ध के दौरान क्या होता है ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है और वेनेशिया किसके हाथ में आ जाता है, अब 1866 में इटली के हाथ में आ जाता है और पर्शिया क्या है ऑस्ट्रिया को हरा देता है और होल्स्टाइन नामक क्षेत्र जो था वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से पर्शिया यानी जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण में सहायक युद्ध था ये 1866 का युद्ध जो ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था, ठीक है। यानी इसको थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ मैं, ऑस्ट्रिया जो था वो दोनों के क्षेत्रों पर अधिकार करके रखा था ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया उसका अधिकार था दोनों के क्षेत्रों पर, इधर वेनेशिया के क्षेत्र पर भी था और इधर होल्स्टाइन के क्षेत्र पर भी था, ठीक है। तो इधर से तो क्या है पर्शिया युद्ध करना चाहता था, बिस्मार्क युद्ध करना चाहता था क्योंकि उसको होल्स्टाइन चाहिए था ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और इधर क्या है इटली भी युद्ध करना चाहता था क्योंकि उसको वेनेशिया चाहिए था। तो ये दोनों अपन आपस में क्या कर लेते हैं दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का दुश्मन क्या था एक ही था, और दोनों क्या है 1866 के इस युद्ध में इसको हरा देते हैं, इसको होल्स्टाइन मिल गया और इसको वेनेशिया मिल गया। तो इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का तो दूसरा चरण और इटली के एकीकरण का जो चौथा चरण है वो पूरा होता है वेनेशिया का जो विलय होता है इटली में उसके साथ ही, कब 1866 में। नेक्स्ट चलते हैं अपने रोम का विलय। रोम के विलय के लिए भी क्या है जर्मनी एक प्रकार से जिम्मेदार रहेगा, जर्मनी का भी उसमें क्या है भाग था। जैसे कि रोम के विलय के समय क्या होता है भाई, जैसा कि मैंने बताया रोम की स्थिति कैसी थी, रोम के ऊपर राज था पोप का, पोप यानी ईसाई धर्म का गुरु। पोप की रक्षा के लिए सेना लगाई रखी थी किसने, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने, नेपोलियन थर्ड ने क्या है वहाँ पर सेना लगा रखी थी। तो जैसा कि मैंने बताया अब फ्रांस के साथ जर्मनी के एकीकरण का जो तीसरा भाग था उसमें युद्ध किसके साथ हुआ था, जर्मनी का फ्रांस के साथ हुआ था क्योंकि जर्मनी ने क्या है उसको राइन प्रदेश नहीं दिए थे, राइन नदी के पास का क्षेत्र नहीं दिया था। तो इसके कारण क्या है फ्रांस से युद्ध करना पड़ता है, फ्रांस उससे परेशान होकर उससे युद्ध करता है। अब जब फ्रांस युद्ध करने वाला था तो क्या है उसकी सहायता के लिए ऑस्ट्रिया नहीं आया क्योंकि ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए फ्रांस भी नहीं गया था, ठीक है।
अब फ्रांस जब युद्ध करता है किससे? ऑस्ट्रिया से, सॉरी जर्मनी से, जर्मनी या आप कह सकते हो पर्शा, पर्शा या जर्मनी से जब फ्रांस युद्ध करता है तो उसको सैनिक सहायता चाहिए थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उस सैनिक सहायता के लिए उसने क्या किया, जो यहाँ पोप को सैनिक दे रखे थे उसने रोम के अंदर, कि ले भी तू सेना रख और तेरे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। लेकिन क्या है, जब इसको फ्रांस को अपने युद्ध के लिए सेना चाहिए थी जो जर्मनी के साथ हो रहा था, उस युद्ध के दौरान, यानी 1870 की बात है ये है, ठीक है, तो उस युद्ध के दौरान क्या होता है, फ्रांस जो है अपनी सेना रोम से हटा लेता है, यहाँ सेना नहीं बची, तो अब क्या करता है, पिडमोंट सार्डिनिया का जो शासक था काउंट एमिनुअल, सॉरी एमिनुअल जो था, वह क्या करता है, रोम पर आक्रमण कर देता है और रोम को क्या मिला लेता है, इटली में शामिल कर लेता है, और रोम को क्या है, घोषित कर दिया जाता है संयुक्त इटली का की राजधानी, संयुक्त इटली की राजधानी, राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है रोम को। और जो विक्टर एमैनुअल था इटली का राजा, वो कहता है कि अब हम रोम में ही रहेंगे और यह इटली जो साम्राज्य है वो हमारा है, और साथ ही साथ क्या है, इटली के शासक ने वहाँ पर एक संवैधानिक सभा की गठन, संवैधानिक सभा का क्या कर दिया, गठन कर दिया, और वहाँ के लोगों को यहाँ संवैधानिक सभा का गठन किया गया और लोगों को स्वतंत्र व समान रूप से जीने का आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया गया किसके द्वारा, विक्टर एमैनुअल जो कहाँ का राजा था, पिडमोंट सार्डिनिया का। तो यहाँ इस प्रकार से क्या है, गैरिबोल्डी की सहायता से नेपल्स सिसिली को एकीकृत किया जाता है, वेनेशिया का विलय के लिए ऑस्ट्रिया की सहायता मिलती है, इधर रोम के विलय के लिए भी एक प्रकार से ऑस्ट्रिया की सहायता लेनी पड़ती है, स्टार्टिंग में लोम्बार्डी के लिए, जैसा कि आपने देखा था काउंट केवर या काउंट काबुर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिज्ञ और राजनीति का इस्तेमाल करके, जैसे कि उसने क्या है, क्रीमिया के युद्ध में सेना भेजी थी, तो अपने 18,000 सैनिकों को वहाँ भेजकर वह जिस प्रकार से अपनी कूटनीति का क्या है प्रमाण पेश करता है, उसकी सहायता से लोम्बार्डी और या फिर आप कह सकते हो इटली का एकीकरण संपूर्ण रूप से उसी शुरुआत के कारण होता है। हालांकि राष्ट्रवाद के पिता कौन है, इटली के अंदर, नेपोलियन जिसका भतीजा फ्रांस का राजा था उस टाइम 1870 के समय, तो राष्ट्रवाद का पिता तो नेपोलियन है, लेकिन इटली को एकीकरण करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, काबुर, मेजिनी, गैरिबोल्डी जिसने क्या है अपनी तलवार के दम पर, मेजिनी जिसने अपनी नैतिक बल की सहायता से, और काबुर जिसने कूटनीति के आधार पर, कूटनीतिज्ञ ज्ञान से क्या है इटली के एकीकरण को संपूर्ण रूप से पूरा करवाया। तो इस प्रकार से इटली का क्या है एकीकरण संपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, आप पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 या आप कह सकते हो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में, तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक क्या है, आप चैप्टर नंबर 4 तक क्या है नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है उसका कार्य पूरा कीजिए। इतने के लिए आपका सभी का धन्यवाद, आपने टाइम दिया अपना, तो यहाँ इसको पढ़िएगा, धन्यवाद।